और ये अंदेशा था कि आज ईडी कोई कार्रवाई कर सकती है, यही कारण है कि पूरी तैयारी कल ही करी गई। बड़ी बड़ी जानकारी के साथ में साझा करता हूँ, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, कल सुबह कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी होनी है, यही मैं पूछ रहा था राजेश से कि कल आगे क्या होना है, कल सुबह कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी होगी, यही सवाल मैं राजेश समझना भी चाह रहा था, अब इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने कहा था कि चूंकि जो शब्द है ना वो शब्दों का बड़ा हेर फेर है, अभी इनके गिरफ्तारी को जिस तरह से लोग बता रहे हैं ये वर्चुअली गिरफ्तारी नहीं है, हिरासत शब्द आएगा और जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद ये गिरफ्तार हो जाएंगे दिवंगत, उसके पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा जो हम बार बार कह रहे हैं। अभी हम हिरासत शब्द का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा माकूल होगा ना कि गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, तो कल ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो ज्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि कानून की कानूनी शब्दों में ये छोटे छोटे फर्क बहुत मायने रखते हैं, तो अभी हिरासत में कल गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको रिमांड दिया जाएगा, 14 दिन का रिमांड हो या 7 दिन का रिमांड हो ये कोर्ट पर निर्भर करेगा, न्यायालय तय करेगी, लेकिन ईडी के पास अभी हेमंत सोरेन रहेंगे, अगले 5-10 दिनों तक रहेंगे, इसकी इनकार नहीं कर सकते। जिस घटनाक्रम के बारे में आपने पूछा था तो घटनाक्रम की जो पृष्ठभूमि है कल ही तैयार कर ली गई थी और आज सीएम ईडी का इंतजार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री जिस तरह से ईडी को निमंत्रण दिया था कि मेरे आवास में आइए पूछताछ कीजिए, ईडी की टीम पूरी सुरक्षा में 1:30 बजे यहां पर पहुंची, पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ और शाम तक होते होते ये बिल्कुल साफ हो गया कि ईडी अब कोई कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत थे जो पीएमएलए के धारा 14 और 19 के तहत कार्रवाई हो सकती थी, तो ईडी ने इनको साफ कहा कि अब आप पर कार्रवाई